नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके पार्ट 10 वीडियो लेकर आया हूँ। बाकी के पार्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टोटल मिलाकर 80 पार्ट में 2000 क्वेश्चन कम्प्लीट होंगे। हर पार्ट में मैं आपको 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सभी वही क्वेश्चन है जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने ये सारे पार्ट ध्यान से देख लिए तो एग्जाम में आपको मेरी वीडियो से ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं आपको 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं ताकि वीडियो के साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करें ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द बारावती स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बारावती स्टेडियम जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो हमारे ऑप्शंस है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सिक्किम और झारखंड। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। जो बारावती स्टेडियम है वो है उड़ीसा में। बारावती स्टेडियम एक आइकॉनिक इंडियन स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो कि है कटक उड़ीसा में। ये एक रेगुलर वेन्यू है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए और साथ ही में ये होम ग्राउंड भी है उड़ीसा क्रिकेट टीम का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द सूर सागर लेक इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सूर सागर लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो हमारे ऑप्शन है आसाम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा गुजरात। सूर सागर लेक जो है वो है गुजरात में। सूर सागर लेक को चंद तलाव के नाम से भी जाना जाता है जो कि है वडोदरा, गुजरात में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो हमारे ऑप्शंस होंगे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है राजस्थान। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को उदयपुर एयरपोर्ट और दबोक एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जो कि एक कॉमर्शियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उदयपुर, राजस्थान का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर है। तो हमारे ऑप्शंस होंगे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोयना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोयना डैम जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो हमारे ऑप्शंस होंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। कोयना डैम महाराष्ट्र के बड़े डैमों में गिना जाता है जो कि एक रबल कॉन्क्रीट डैम है जो कि है कोयना रिवर के ऊपर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। जो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है ड्रग्स और क्राइम के लिए वो कौन सी स्टेट में, कंट्री में है। तो हमारे ऑप्शंस होंगे पेरिस, फ्रांस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वियना, ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया। जो यूएन का ऑफिस है ड्रग्स और क्राइम का, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी कंट्री में है, वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वनकबोरी थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वनकबोरी थर्मल पावर प्लांट जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो हमारे ऑप्शंस है असम, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा गुजरात। वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन एक कोल फायर्ड पावर स्टेशन है जो कि है गुजरात में, जो कि माही रिवर के अक्रॉस बना हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। करंट चेयरमैन कौन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, प्राइम मिनिस्टर की। तो हमारे ऑप्शन है सुरजित बल्ला, रतन बटल, सी रंगराजन, विवेक दुब्रॉय। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा विवेक देवरॉय। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुलिकली इज एन इम्पोर्टेंट फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पुलिकली कौन सी स्टेट का एक इम्पोर्टेंट फोक डांस है। तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन होंगे केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है केरला। पुलिकली एक रिक्रिएशनल फोक आर्ट है जो कि रिक्रिएट की गई थी By the people of Kerala। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी।
एमए चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो कौन सी सिटी में है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे कोची, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है चेन्नई। एमए चिदम्बरम स्टेडियम को चिपकॉक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है चेन्नई में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली यूज्ड क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1916 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द शंकर आचार्य टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? शंकर आचार्य टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में है इंडिया की? तो हमारे ऑप्शन होंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जो शंकराचार्य टेम्पल है, जिसको कि जटेश्वर टेम्पल और पासवायर टेम्पल की भी कहा जाता है बुद्धिस्ट द्वारा, जो कि है श्रीनगर कश्मीर में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छावमल्ला पैलेस इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी? छावमल्ला पैलेस जो है वो कौन सी सिटी में था? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोची। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है हैदराबाद। छावमल्ला पैलेस जो था ये एक निजाम का मेन पैलेस था, जो कि है हैदराबाद स्टेट में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द गिवन रिवॉल्यूशंस इज मीन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस होंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है गोल्डन रिवॉल्यूशन। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो किससे किससे रिलेटेड है? वो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगरा सिटी इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? आगरा जो कि एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, वो कौन सी रिवर के अक्रॉस है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे नर्मदा, गोमती, गंगा और यमुना। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा यमुना। जो आगरा सिटी है उत्तर प्रदेश में, वो यमुना के अक्रॉस स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ओमकारेश्वर नेशनल पार्क जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट में है? तो हमारे ऑप्शन होंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनआईडीओ हैज इट्स हेड ऑफिस इन? जो यूएनआईडीओ है उसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो हमारे ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना और रोम। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा वियना। जो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉड्रिगो ड्यूटर्ट इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? रॉड्रिगो ड्यूटर्ट जो है वो कौन सी कंट्री के करंट प्रेसिडेंट हैं? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ईरान। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस। जो रॉड्रिगो ड्यूटर्ट एक फिलिपिनो पॉलिटिशियन है, जो कि प्रेजेंट और 16th प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल फिल्म अचीव ऑफ इंडिया इज अ टॉप लेवल रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर्ड एट? जो द नेशनल फिल्म अचीव ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हमारे ऑप्शंस है पुणे, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा पुणे। जो नेशनल फिल्म आर्चीव है उसका हेडक्वार्टर जो है, हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? वो है पुणे में, जिसके मेन थ्री और रीजनल ऑफिसेज हैं, जो कि है बेंगलोर, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश इन इंडिया? इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस है नवंबर 7, फरवरी 4, दिसंबर 9 और अगस्त 8। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा नवंबर 7। 7 नवंबर को इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से कौन सी प्लेस में है उसका हेडक्वार्टर? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस होंगे वियना, ऑस्ट्रिया, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरबा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। जो कोरबा थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पर है? वो है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द राजघाट डैम ऑन द बॉर्डर ऑफ द मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द गिवन रिवर्स? जो राजघाट डैम है वो कौन सी रिवर के अक्रॉस बना हुआ है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे महानदी, चंबल, सोन और बेटवा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटवा रिवर। जो राजघाट डैम है ये एक इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट है जो कि है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दी अनंतपुरा लेक टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो अनंतपुरा लेक टेम्पल है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारे ऑप्शन होंगे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटका। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है केरला। जो अनंतपुरा लेक है टेम्पल है वो एक हिंदू टेम्पल है जो कि बना हुआ है एक लेक के बीच में है, और वो कहां पर है? वो है केरला में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द बनरघट्टा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो बनरघट्टा नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारे ऑप्शन होंगे आसाम, झारखंड, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। जो बनरघट्टा नेशनल पार्क है वो कहां पर है? वो है कर्नाटका में। बनरघट्टा नेशनल पार्क को 1974 में एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था जो कि है बेंगलोर के पास। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गुजरात। जो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है वो कहां पर है? वो है गुजरात में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।